किचन से कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कटहल की सब्जी। सबसे पहले मैंने इसे काट के धो के रखा है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, तो मैंने तेल गरम कर रखा है। कुछ लोग शायद कच्चा ही बनाते हैं, पर फ्राई करके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके निकाल लें, तेल सारा अच्छे से निकल जाना चाहिए। फ्राई करके कटहल बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है उसमें, बहुत ही अच्छा। हाँ, अब मैंने देखो प्याज, लहसुन, अदरक, इसको मैं मिक्सी कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। मैं टमाटर भी ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए फ्राई किए हुए कटहल तैयार हो गए हैं। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। ये तेज पत्ता डाला है मैंने, ये मिर्च डाली है, हींग डालूँगी थोड़ा सा, जीरा डाल दीजिए। अब ये जो पेस्ट बनाया ना, ये पेस्ट प्याज का पेस्ट डाल के अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है इसको। इसको अच्छे से ब्राउन होने तक आप इसे भून लीजिए। ये देखिए ब्राउन होने वाला है, हो रहा है, बड़ा ब्राउन हो रहा है ना। अब इसमें मैं प्याज टमाटर का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए टमाटर का पेस्ट डालूंगी अब इसमें मैं। अभी इसको अच्छे से मिला के भून लीजिए। अब इसमें नमक डाल लीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी डाल लीजिए, ये देगी मिर्च, और ये धनिया पाउडर डालना है, और इसे अच्छे से मिला लीजिए। मसाला जितना भूनेंगे आप उतना ही स्वाद आता है सब्ज़ी में, ये तो आप सब जानते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनना है, ताकि उस मसाला ना अच्छे से पानी छोड़ता है, पता चल जाता है आपको कि हाँ मसाला भून गया है। हल्का सा पानी डाल के पकाना है। ये थोड़ा सा अमचूर डाल दें आप, देखिए मसाले में कलर आ रहा है ना। अब इसमें आप कटहल डाल सकते हैं, फ्राई किया हुआ कटहल। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए मसाला मिक्सी करके बनाया था ना, तो वो जो ग्रेवी बनी है उससे सारे कटहल में मिल गया है, सब्जी में ना अच्छे से मिल जाएगा मसाला। ये देखिए देखिए कलर आ रहा है ना सब्जी। मेरी बेटी को कटहल बहुत पसंद है, उसकी फरमाइश पे ही बना रही हूँ मैं। ये देखिए अच्छे से ऐसे ना मसाला मिला लीजिए, पूरा सब्जी को आप इतने अच्छे से चला के उसमें मसाला अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से मिल गया सब्जी। अब इसमें हरा धनिया मिला लीजिए, हरा धनिया तो हर सब्जी की जान है, चार चांद लगा देता है सब्जी में। ये देखिए लग रहा है ना डिलीशियस।